में जसप्रीत कौर हेडलाइंस टुडे में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश भर की कुछ अहम खबरें। उत्तराखंड में तिहार गढ़वाल जिले में NH-94 और NH-98 बारिश के बाद पत्थर और मलबे के कारण अवरुद्ध हो गया है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आने जाने के विकल्प कर रहे हैं। भावनाबेन पटेल पैरालंपिक खेल की टेबल टेनिस प्रतियोगिता के फिनाले में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। पिछले 5 दिन से दिल्ली में रहने वाले अफगान नागरिक शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके शरणार्थियों का दर्जा दिया जाए और उन्हें पुनर्वास का मौका दिया जाए। JNU-DU जमिया शारीरिक कक्षाओं को वापस शुरू करने पर चर्चा के लिए बैठक करेंगे। काबुल के हवाई अड्डे के बाहर एक विस्फोट हुआ जहां हजारों लोग अफगानिस्तान के तालिबान अधिग्रहण से भागने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन काबुल हवाई अड्डे पर घातक आत्मघाती बम हमले के बावजूद अफगानिस्तान से अमरीकी नागरिकों और अन्य लोगों की निकासी को पूरा करने की कसम खा रहे हैं और हमले में मारे गए 13 अमरीकी सेवा सदस्य की मृत्यु का बदला लेने का भी वादा किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया बिचौलियों के लिए नए IT नियमों की चुनौती देने वाले फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। मलविंदर सिंह माली ने कथित तौर पर कहा अगर कश्मीर भारत का हिस्सा था तो धारा 370 और 35 होने की क्या जरूरत है, कश्मीर कश्मीरी लोगों का ही देश है। एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ अगले साल चुनाव लड़ने की धमकी भी दी थी, वो शुक्रवार को एक बलात्कार शिकायतकर्ता को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। खुल्ला मुजाहिद कहते हैं कि तालिबान के लिए पाकिस्तान दूसरे घर की तरह है। कोविड का डेल्टा वेरियंट अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम दुगना करता है, अध्ययनों का कहना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया। PM मोदी जलियांवाला बाग स्मारक के पूर्ण निर्माण परिसर का उद्घाटन करेंगे। देश भर में कुल कोविड मामले 359,775 है, मृत्यु हो चुकी है 437,370 की। वेस्ट बंगाल में कुल कोविड मामले 9,167 हैं, मृत्यु हो चुकी है 18,402 की। सिक्किम में कुल कोविड मामले 1,409 हैं, मृत्यु हो चुकी है 367 की। हेडलाइंस टुडे में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए SK लाइव। से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।
कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है EICTE, KNC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001:2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे, डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800 572 9851।